हेलो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दोगे और आप कहोगे कि इसका उत्तर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट ये फार्मूला आया कहाँ से, यानी कि इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है, तो फिर इस फार्मूले को कैसे बना सकते हैं, उसे समझेंगे आज हम लोग। तो इसका जो तरीका है वो वैदिक मैथ से हम लोग समझेंगे और इस फिगर का हम सहारा लेंगे समझने के लिए, यानी इसी फिगर पर बेस्ड ये प्रूफ होगा। तो सबसे पहले हम इस फिगर को समझेंगे। देखिए, यहाँ ए बी सी डी एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, जिसकी भुजा की लंबाई जो है सो ये है। देखिए, इधर भी ये है और इधर भी ये है और इधर भी मेजरमेंट करें तो ये ही है जैसे यहाँ लिखा गया है। तो वर्ग है ए बी सी डी। तो सबसे पहले इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग फार्मूला को पहले लिखेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ग यानी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग इस फार्मूले की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला है भुजा स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ भुजा की लंबाई ये है यानी कि भुजा की जगह पर हम ये डालेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ए स्क्वायर। अब इस वर्ग पर ध्यान दीजिए। देखिए, सी एफ जी एच ए बी एक तरह से वर्ग है क्योंकि इसकी भी भुजाएं की लंबाई बराबर है। यहाँ से यहाँ तक बी है, यहाँ से यहाँ तक बी है और यहाँ से यहाँ तक भी बी है और चारों भुजाएं बराबर है। तो वर्ग सी एफ जी एच का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसे भी इसी फार्मूला से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, भुजा स्क्वायर क्योंकि ये भी वर्ग है तो इसकी भुजा की लंबाई बी है तो हम लोग बी का स्क्वायर करेंगे यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इस वर्ग और इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। इस वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल है बी स्क्वायर। अब हम इस आयत और इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है उसे समझेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारे पास इस आयत में देखिए, यहाँ लंबाई ए दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो बी है, तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो आयत डी ई एफ सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि ए गुना बी, क्योंकि लंबाई ए है और चौड़ाई बी है तो हम लोग इसे लिखेंगे। देखिए, लंबाई ए गुना चौड़ाई बी, तो ये ए बी यानी कि आयत बी आई एच सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम इस आयत में यानी कि बी आई एच सी आयत में लंबाई ढूंढते हैं। देखिए, लंबाई जो इसकी है सो ये लंबाई होगी क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बराबर है तो इसकी लंबाई ये हो जाएगी। और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई बी है तो चौड़ाई बी हो जाएगी। तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई ये है और चौड़ाई बी है तो इसे लिख सकते हैं ए गुना बी, यानी इसे भी लिख सकते हैं ए बी। तो अब हम इन दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, जो ए बी और ये बी आया है इसे ए बी लिखेंगे और इसका भी क्षेत्रफल ए बी लिखेंगे। तो हम लोग चारों फिगर का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल चुके हैं। अब हम इस पूरे बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि ए आई जी ई का क्षेत्रफल। तो यह एक प्रकार से वर्ग है। तो देखिए, यहाँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बी है तो टोटल की लंबाई हो जाएगी ए प्लस बी। इसी प्रकार यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ए प्लस बी। तो हमें लंबाई मिल चुकी है। अब हम इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग ए आई जी ई यानी कि ए आई जी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसकी भुजा जान चुके हैं कि ए और यहाँ अगर बी है तो टोटल लंबाई ए प्लस बी हो जाएगी यानी कि ए प्लस बी। इधर भी यहाँ से यहाँ तक लंबाई ए है और यहाँ से यहाँ तक बी है तो टोटल लंबाई जो हो जाएगी सो ए प्लस बी हो जाएगी। तो ए आई जी का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम इन चारों तरह के फिगर्स का क्षेत्रफल को आपस में जोड़ें तो हमें इस बड़ी वर्ग का क्षेत्रफल मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन चारों तरह के क्षेत्रों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। तो ये ए स्क्वायर है तो हमें लिखेंगे ए स्क्वायर।
अब इसके बगल में जो आयत है उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तो इसका क्षेत्रफल है ए बी, यानी कि ए बी। अब इसके नीचे की आयत का क्षेत्रफल होगा ए बी, उसे जोड़ेंगे यानी कि ए बी। अब इस वर्ग का जो छोटा हुआ वर्ग है उसे जोड़ेंगे, तो इसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर है, उसे लिखेंगे बी स्क्वायर। तो अब हमें इन चारों क्षेत्रों को जोड़ने पर हमें इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मिलना चाहिए, तो हम इस बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को इसके बराबर करेंगे, यानी कि बराबर में करेंगे। इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ए आई जी ई का क्षेत्रफल, ए आई जी का क्षेत्रफल ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो उसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। यानी कि हम इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर इन चारों छोटे छोटे क्षेत्रों के क्षेत्रफल को बराबर किए हैं। तो देखिए यहाँ अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, देखिए यहाँ ए स्क्वायर अलग है, ए बी प्लस ए बी हो जाएगा टू ए बी, और यहाँ प्लस में बी स्क्वायर है तो इसे बी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है। यही होता है हमारा प्रूफ, यानी कि हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इस फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं हमें तरीका समझ में आ चुका है। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए के बदले हम कैपिटल लेटर में ये लिख सकते हैं और बी के बदले कैपिटल लेटर में बी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा ये फार्मूला प्रूफ होता है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आता है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।